आजकल लोगों को बिजी हेक्टिक लाइफ में सब चीजें इंस्टेंट और क्विक चाहिए, इसीलिए डोमिनोज वाले भी पिज्जा डिलीवरी 20 मिनट्स में देने की ट्राई करते हैं, ताकि कस्टमर्स वेट ना करें और उनकी क्विक सर्विस से सेटिस्फाई रहे। देखा जाए तो आजकल लोग खाना बनाते कम है और खरीदते ज्यादा है, जैसे कि फूड डिलीवरिंग एप्स अवेलेबल है, जो चाहिए वो मिल जाता है। साथ में इंस्टेंट फूड मेकिंग पैकेट्स भी आते हैं, जैसे सूप और सब्जी। ये सब इंस्टेंट चीजें खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है इस पे कोई ध्यान नहीं देता। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी इंस्टेंट फूड प्रिपेयर कर सकता है। बच्चों के लिए इंस्टेंट फूड मेकिंग पैकेट्स तो काफी यूजफुल हो गए हैं, जब घर पे कोई नहीं होता है तो खाना बनाने के लिए। लेकिन कुछ चीजें हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी होती है, जैसे कि ये पैक्ड फूड्स की पैकिंग काफी लॉन्ग टाइम से की हुई होती है, और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ्रेश रखने के लिए बहुत से प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। अब ये प्रिजर्वेटिव्स क्या है? कई बार हम ये वर्ड सुनते हैं तो बहुत सी चीजों में यूज होते हैं, दवाई से लेके खाने के आइटम्स तक सब में प्रिजर्वेटिव्स होता है। प्रिजर्वेटिव केमिकल या सब्सटेंस होता है जो अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है कोई भी चीज को लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए, और ये प्रिजर्वेटिव्स ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही कुछ प्रिजर्वेटिव्स इंस्टेंट नूडल्स में ऐड किए होते हैं। नूडल्स ऐसी चीज है जो जल्दी बनती है और खाने में भी टेस्टी होती है, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जल्दी बनने वाली नूडल्स हमारे बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल है। और अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जानते हैं कि इंस्टेंट नूडल्स हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल क्यों है। अब भूख लगी है तो टेस्टी और पेट भी भर जाए ऐसा क्या खाए? वैसे तो फ्रूट्स भी होते हैं, पर वो टेस्टी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए कई लोग इंस्टेंट बनने वाले नूडल्स खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन रिसर्च करने पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस इंस्टेंट नूडल के बारे में, जो जानने के बाद आप नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट नूडल्स खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। डॉक्टर ब्रेडिन को, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, की स्टडी के हिसाब से होममेड फ्रेश नूडल्स खाने के 1-2 घंटे बाद डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स जितने इंस्टेंटली बनते हैं उतने इंस्टेंटली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और इस नूडल्स का डाइजेशन ना होने की वजह है इसमें एडिड प्रिजर्वेटिव्स। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA के अकॉर्डिंग रेगुलरली रूटीन में इंस्टेंट नूडल्स खाने से ट्यूमर या कैंसर होता है। रिसर्च में ऐसा प्रूफ हुआ है कि नूडल्स टर्टियरी ब्यूटिल हाइड्रोक्विनोन यानी कि TBHQ नाम का प्रिजर्वेटिव होता है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि ये प्रिजर्वेटिव परफ्यूम में भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा इंस्टेंट नूडल्स में प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल भी ऐड किए होते हैं जो टोबैको प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं। इसका मतलब कोई इंसान टोबैको का सेवन नहीं करता होगा तो भी इंस्टेंट नूडल्स खाने से कैंसर हो जाएगा। कोई भी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व होने वाली चीज की पैकेजिंग भी वैसी ही की जाती है जिससे अंदर की चीज खराब ना हो। जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स कप या पैकेट में आते हैं तो इस पैकेजिंग में भी बायफिनॉल ए यानी कि BPA मटेरियल यूज किया जाता है, और जब आप नूडल्स के कप को ओवन में गर्म करते हैं तब BPA मेल्ट होकर डिश में एंटर होता है और साथ में आपकी बॉडी में भी, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय होता है। मतलब नूडल्स में कोई हेल्दी न्यूट्रिटिव चीजें तो होती ही नहीं है, और ये बॉडी के लिए भी सेफ नहीं है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंस्टेंट नूडल्स टोटली अवॉइड करने चाहिए, और कभी नूडल्स खाने का बहुत ज्यादा मन हो तो घर पे फ्रेश नूडल्स बना के खाइए, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। और घर पे बने नूडल्स सेफ होने के साथ वेजिटेबल्स की वजह से न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको न्यूट्रिटिव चीजें खानी है या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडेड नूडल्स खा के बॉडी को हार्म करना है। आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।